नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका learndaddy.com के 3ds Max ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे कि हम चैम्फर बॉक्स का यूज़ कैसे करते हैं 3ds Max के अंदर। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं हम हाउ टू यूज़ चैम्फर बॉक्स इन 3ds Max। तो यहाँ पे आपको एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स के अंदर आपको यहाँ पे चैम्फर बॉक्स का यूज़ मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं चैम्फर बॉक्स लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैं, जैसे कि हम रेक्टेंगल लेते हैं उसी तरह से हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं लेता हूँ, एक यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, या यहाँ पे हम एक और ड्रॉ कर देते हैं और एक यहाँ पे भी ड्रॉ कर देता हूँ। और यहाँ आप देख सकते हो कि जैसे कि मैं यहाँ पे चैम्फर बॉक्स का यूज़ कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से चैम्फर भी दे सकते हो। अगर नहीं देना चाहते तो सिंपली इसको बॉक्स की शेप में भी छोड़ सकते हो, और मैं थोड़ा सा यहाँ पे चैम्फर छोड़ देता हूँ। देने के बाद आपका ये कुछ इस तरह से शो होगा। अगर आप यहाँ पे एक और बॉक्स में क्रिएट करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं लेता हूँ, पहले आपने इसको प्लेन में छोड़ना है, उसके बाद आपने यहाँ पे इसको प्लेन में छोड़ने के बाद आप कर्सर को छोड़िए और ऊपर की तरफ क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये चैम्फर के लिए पूछेगा, तो आपने यहाँ पे चैम्फर को छोड़ देना है। तो चैम्फर जो है वो यहाँ पे हम बोलते हैं वो फिलेट जैसा काम करता है। तो यहाँ से मैं एजिस को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से दिख सके। तो मैं यहाँ पे एज्ड फेसेस कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारे जो फेसेस हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो देन उसके बाद जैसे ही आपने ये बना दिया, उसके बाद यहाँ पे मॉडिफाई लिस्ट में आपको यहाँ पे इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट और फिलेट यहाँ पे दिया गया है। तो जैसे कि यहाँ पे आप लेंथ लेना चाहते हो तो आप इसको लेंथ दे सकते हो जितनी देना चाहते हो। देन विड्थ के लिए आप यहाँ से विड्थ भी इसकी चेंज कर सकते हो, और हाइट भी यहाँ से आप इसकी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे फिलेट जैसे एक इंच का दिया हुआ है, मैं अगर बढ़ा के इसको दो इंच कर देता हूँ या बढ़ा देता हूँ या कम कर देता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ से देता हूँ 2 इंच, तो इसका जो फिलेट हो गया है वो 2 इंच का यहाँ पे शो हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पे लेंथ सेगमेंट्स दी हुई हैं, तो जितनी लेंथ सेगमेंट्स दोगे आप तो ये उतना ही सही तरीके के साथ यहाँ पे कर्व में शो होगा। अगर लेंथ सेगमेंट्स मैं कम कर देता हूँ, जैसे कि फिलेट सेगमेंट है, तो फिलेट को अगर मैं शो कर देता हूँ, कम कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगी तो इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरह में चैम्फर टाइप शेप में यहाँ पे दिखा देगी। तो अगर आप इसकी फिलेट सेगमेंट जितना ज़्यादा कर दोगे उतना ही राउंडिश में ये इसको शो करेगा। तो जैसे मैं इसकी शेप को बढ़ा देता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे कि इसकी जो शेप है वो बिल्कुल राउंड राउंड यहाँ पे शो हो चुकी है। जैसे मैं इसके एज फेसिस को गायब कर देता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे इसकी शेप बिल्कुल ही राउंड हो चुकी है। तो जितने ज़्यादा सेगमेंट्स आप दोगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा रहेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे चैम्फर बॉक्स का यूज़ करते हैं। तो चैम्फर बॉक्स भी आपको बड़ी जगह यूज़ कर सकते हो आप, चाहे आप किसी सोफ़ा को क्रिएट करना चाहते हो, बेड क्रिएट करना चाहते हो, किसी भी चीज़ के अंदर आपको ये बॉक्स का यूज़ कर सकते हो। उसी तरीके के साथ मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूँ यहाँ पे कि कैसे हमने इसको लेना है। उसके लिए आपने यहाँ पे प्लस पे जाना है और यहाँ से चैम्फर बॉक्स लेना है। चैम्फर बॉक्स लेने के बाद आपने इसको लेंथ ब्रेड्थ इसकी स्पेसिफाई करके इसको अपर साइड के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने चैम्फर स्पेसिफाई कर देना है जितना भी आप करना चाहते हो। देन अगर आप सेटिंग्स को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे जाके आप सेटिंग्स को पैरामीटर्स के अंदर चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी अगली कमांड जो कि थी चैम्फर बॉक्स। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हम चैम्फर बॉक्स को क्रिएट कैसे करते हैं। तो शुक्रिया दोस्तों आपका हमारा ये वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।